मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अरविंद यादव, मैथ फैकल्टी। मैं कम से कम 8-9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेज। तो मैं इस वीडियो के थ्रू उन सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूँ जो लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मतलब जो आपका वो SSC का भी एग्जाम हो सकता है, बैंकिंग का भी एग्जाम हो सकता है, या फिर वो MBA का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, या इसके अलावा जहां पर भी मैथ का सिलेबस अगर बोले तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब इसमें अर्थमेटिक और एडवांस का पार्ट जो कवर होता होगा उस एग्जाम में, वो सिलेबस हम लोग आगे आने वाले वीडियो की जो सीरीज चलेगी उसमें कवर करेंगे, जिसमें बेसिक लेवल से अपर लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। अपर लेवल का मतलब यह है कि वो जो क्वेश्चन अपर लेवल के बोले जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जिनको कहा जाता है टफ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि सिलेबस क्या है जो यहाँ पर हम लोग आने वाली वीडियो की जो सीरीज होगी उसमें पढ़ेंगे। ऑनलाइन जो वीडियो हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब पर देख सकते हैं, बट उन वीडियो में जो पढ़ना है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या होगा जो यहाँ पर कवर किया जाएगा, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ का जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे, मैथ का जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ेंगे, वो कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, कौन कौन से एग्जाम में उसका उस चैप्टर का मतलब क्वेश्चन आता है, वो आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको, आप देखना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ। तो मैथ का जो सिलेबस यहाँ कवर होगा, एकदम बेसिक लेवल की बात करें तो जैसे अगर SSC में अगर बात करते हैं कि SSC के थ्रू बहुत सारे एग्जाम होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसमें एक तो आपका हो गया सबसे बेसिक लेवल का जो एग्जाम है जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, GD। दूसरा पार्ट अगर देखें इसमें तो एक आपका एग्जाम जो कंडक्ट कराता है SSC, MTS। एक और अगर देखो तो आपको अगर जो इस समय आ चुका है CHSL, और जो इसके थ्रू SSC के थ्रू जो SSC कंडक्ट कराता है सबसे बढ़िया लेवल का एग्जाम होता है उसे माना जाता है CGL, क्योंकि इस एग्जाम के थ्रू आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक बनते हैं, मतलब बी ग्रेड की पोस्ट तक आपको मिल जाती है जो आपका SSC के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है CGL का एग्जाम। तो इसमें इस पार्ट को, इन आपके एग्जाम में आने वाले सिलेबस को पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो कवर होगा यहाँ पर इस आने वाली वीडियो की सीरीज में, वो बैंकिंग के पार्ट पर अगर देखा जाए तो बैंकिंग में एग्जाम जो होते हैं उसमें अगर आप देखो तो क्लर्क का एग्जाम होता है, क्लर्क आपका SBI क्लर्क भी होता है। अगर आप देखो क्लर्क में तो SBI क्लर्क होता है और IBPS क्लर्क होता है। IBPS में RRB का भी क्लर्क का पार्ट आता है, तो वो कवर करेंगे। इसके बाद अगर देखो आपका इसमें थोड़ा सा अगर ऊपर लेवल जाए तो PO प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपका मैथ का जो सिलेबस होता है, मैथ्स जो आता है, मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। आगे अगर चलें तो MBA के प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो MBA का एक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दो एग्जाम आप देते होंगे, एक तो आपका कैट का एग्जाम और एक आपका मैट का एग्जाम। अगर MBA के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो कैट और मैट उम्मीद करते हैं कि आप देते होंगे। तो इन एग्जाम में जो आपका सिलेबस है, ये जो आपके जो भी इनमें से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, चाहे बैंकिंग का हो, MBA का हो या SSC का, इसमें जो मैथ्स का सिलेबस है वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और जो भी सिलेबस कवर किया जाएगा वो आपका सिलेबस कवर करते वक्त हमें मेन जो ध्यान रखना है वो ये कि जैसे अगर हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन अगर कहें कि जैसे अगर हमें फॉर्मूले थोड़ा थोड़ा तो हमें पता ही होना चाहिए, बिना फॉर्मूले के तो कुछ नहीं हो सकता। फॉर्मूले का मतलब यह है कि फॉर्मूला ही बेसिक होता है, तो फॉर्मूले को देखते हुए GD के एग्जाम का जो सिलेबस है वो बेसिक से कवर करते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। और हम लोग जो सिलेबस है, जो लेवल है क्वेश्चन का, वो कैट के लेवल तक ट्राई करेंगे कि वहां तक हम लोग पढ़ें। तो आपका लगभग अधिकतर मतलब क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी हो या टफ हो, सारे चीजें डिस्कस करेंगे। तो इन सारे एग्जाम को कवर करने के लिए आपको जो मैथ का सिलेबस चाहिए वो पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन सारे एग्जाम में आने वाले मैथ के सिलेबस को कवर करना है तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, उस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा। अब ये तो नहीं बता पाएंगे कि इस वीडियो में कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, बट हाँ इतना जरूर बताएंगे कि हमें कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है।
तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है हमें यहाँ पर। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में भर दिया जाता है कि ये वाला एग्जाम तो टफ होता है, वो वाला एग्जाम इजी होता है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान है। टफ और इजी की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है कि नहीं कोई एग्जाम टफ होता है, कोई एग्जाम इजी होता है। अरे आप पढ़ोगे नहीं तो फिर तो टफ ही है सारे एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, जब आप पढ़े नहीं हो तो सारे के सारे एग्जाम टफ है। आप प्रिपरेशन करते हो जीडी की और एग्जाम देने चले गए सीजीएल का, आप प्रिपरेशन करते हो एमटीएस का, एमटीएस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो और आप चले गए देने एग्जाम कैट का, तो वो तो आपका टफ ही लगेगा। आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उस एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को तो डिस्कस करें। तो इंपॉर्टेंट ये है कि हमने पढ़ा क्या है और किस लेवल तक पढ़ा है, उससे डिसाइड होता है कि पेपर का लेवल कितना टफ और इजी था, किसके लिए टफ था और किसके लिए इजी था। तो इसमें आपका मैथ है, जो सिलेबस हम लोग कवर करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करके कवर करेंगे। एक पार्ट होगा आपका अरिथमेटिक और दूसरा पार्ट इसमें होगा एडवांस्ड। दो पार्ट में हम लोग यहां पर मैथ का सिलेबस कवर करेंगे, अरिथमेटिक एंड एडवांस्ड। अरिथमेटिक और एडवांस में जैसे पहले तो डिस्कस करें तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अरिथमेटिक और एडवांस जो पार्ट आपका यहां पर होता है, जो चैप्टर आते हैं, वो क्लास टेंथ तक जो आपने पढ़ा था मैक्सिमम चैप्टर वहीं से रिलेट होते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा बट अधिकतर क्वेश्चन जो आपके जो सिलेबस है, जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे चैप्टर आप क्लास टेंथ तक पढ़ चुके हैं। अब बात यह आती है क्लास टेंथ तक पढ़ चुके तो क्या हमें सब कुछ आता है? क्लास टेंथ तक मैंने आपने सबने क्वालिफाई भी किया है, पढ़ करके ही आए आप आगे बढ़ते गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास टेंथ तक आता है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो क्लास टेन तक अगर हम बात करें किसी भी चैप्टर की, तो उस चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी हो सकता है और वो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्टली ही निकाल, मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन होगा और उसको करने के लिए थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक में क्या पढ़ना है और एडवांस में क्या पढ़ना है। तो अगली वीडियो से ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस पार्ट पे क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं करेंगे कवर, हर क्वेश्चन में मतलब हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। बट ये रहेगा कि मैक्सिमम कवर करेंगे लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हाँ हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को कवर किया जा सकता है। कोई भी बुक है परफेक्ट तो होती नहीं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पर बस ये कि परफेक्शन की ओर हम लोग चलेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है हम कह सकते हैं अब नहीं आता तो डिफिकल्टी है लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे जो एग्जाम में आता है और जिसको माना जाता है कि नहीं ये पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो डिफिकल्ट था, उन सारे क्वेश्चन को आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल मुझे यही बताना था, इन्फॉर्म करना था कि मैंने एक प्लान बनाया है कि ऑनलाइन वीडियो मैं बनाऊं और उसको YouTube पर डालूं और आप को अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। ऑफलाइन क्लासेस तो बहुत दिन हो गया पढ़ाते हुए, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, दिन तो नहीं कह सकते, 9-10 साल के लगभग नियर अबाउट हो रहा है मुझे पढ़ाते हुए ऑफलाइन, सारे कोचिंगों में लगभग मैंने पढ़ाया है। तो मुझे यहाँ पर सोचा, मैंने ये प्लान बनाया कि कहीं अगर ऑफलाइन क्लासेज प्रोवाइड कराते हैं तो क्यों ना ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड की जाए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने बोला कि ऑनलाइन क्लासेस सर स्टार्ट करिए, तो मैंने प्लान बनाया। तो बस ये वीडियो बनाया था कि मैं सूचित करना चाहता था कि मैंने ऑनलाइन वीडियो बनाने का प्लान बनाया है और जल्दी ही अप्रैल महीने के लास्ट तक मैं हर चैप्टर की वीडियो स्टार्ट कर दूंगा डालना। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए और अपने जानने वालों और अपने साथ के मित्रों को सूचित करिए कि वो भी वीडियो का फायदा उठा सकें अगर उनको लगता है कि नहीं।